हॅलो एव्हरीवन, बीएलच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत. आपण लास्ट लेक्चरला कंडिशन हा टॉपिक स्टार्ट केला होता की फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल पाहिल्यानंतर काही कंडिशन्स आणि वॉरंटीज असतात की ज्याचा स्टडी केला की आपल्या लक्षात येईल की कुठल्या कंडिशनमध्ये आपण सेलिंग करतो आहोत, त्याचं वॉरंटी गॅरंटी म्हणजे काय असेल, किंवा इम्प्लाइड कंडिशन्स म्हणजे काय, एक्सप्रेस कंडिशन्स म्हणजे काय, तर स्टिप्युलेशन म्हणजे काय असतं, तर ह्या गोष्टी मी थोड्याफार तुम्हाला एक्सप्लेन केल्यात मागच्या लेक्चरला. की स्टिप्युलेशन म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही एक अट ठेवलेली असते, कंडिशन ठेवलेली असते. तर इथे आपल्याला कंडिशन ही हा जो पार्ट आहे आपण बघू शकता. इथे फर्स्ट पॉइंट मध्ये सांगितलं की कंडिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल. म्हणजे काय की कंडिशन असल्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलिंग होत नाही. सेलिंग करताना सेलरच्या जशा काही कंडिशन्स असतात तशाच बायरच्या सुद्धा काही कंडिशन्स असतात. की त्याला जसं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलं की त्याला एका पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये तो प्रोडक्ट अवेलेबल झाला पाहिजे. म्हणजे काय की त्याला पर्टिक्युलर डिझाईन, साईज, शेप, कलर, फ्लेवर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजेच काय आहे, कंडिशन्स आहेत तेव्हा तो बाइंग करेल. त्याची प्राइस काय आहे. सो कंडिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल. अँड अंडर सेक्शन 12 इन ब्रैकेट 2, मतलब कि यहाँ पे सेकेंड सेक्शन के अंदर उन्होंने कंडीशन को एक्सप्लेन किया है कि स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडेटेड. मतलब कोई भी चीज रिपुडेटेड है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग वो क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को तोड़ देंगे. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने सीखा ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, हेंस फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कंडीशन इज इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग द क्रक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ना होने की वजह से सेलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. ऐसे ही हमने अगर कोई चीज सेल की या ऐसे ही किसी बायर ने परचेज किया, अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट रिलेटेड रहेगा, रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हमने वो जो भी प्रोडक्ट का डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सिस्टम है, वो अगर एक्सप्लेन नहीं की, प्रेजेंट नहीं की सेलिंग से पहले, तो शायद आगे जाके क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है उसका होना बहुत जरूरी है. एंड इफ इट इज नॉट ट्रू द बायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस एंड और डैमेजेस. यानी कि बायर जो है, बायर ने अगर जो रिप्रेजेंटेशन आपने किया था, मतलब कि जैसे अगर मैं सेलर हूँ, इमेजिन करो आता सपोज मला माझ्याकडे एखादा पेन आहे, इमेजिन करूया बरोबर, हा पेन आहे आणि आता हा पेन मला सेल करायचा. मी कोण आहे, सेलर आहे. मी रिप्रेझेंटेशन काय केलं ह्याचं, जेव्हा मला सेल करायचं होतं मी सांगितलं की अतिशय सुंदर हँडरायटिंग येतं, याची जी काही हे आहे इंक आहे तिचं, म्हणजे डार्क इंकचं आहे, वळणदार अक्षर येतं. म्हणजे मी त्याचे काही फीचर्स एक्सप्लेन केले, कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले की हा पेन परचेस केल्यामुळे तुम्हाला काय काय बेनिफिट्स मिळतील, किंवा मार्केटमध्ये याचे जे कॉम्पिटिटर पेन्स आहेत यापेक्षा माझ्याकडे किती कमी प्राइसला हा पेन अवेलेबल होतो. म्हणजे हे सगळं मी ऍडव्हर्टाइज मध्ये काय केलं, रिप्रेझेंट केलं. बट या पे क्या हो रहा है कि जब मैंने सेल करते वक्त इसका मार्केटिंग किया, उसके जो फीचर्स बताए, तो देखने के बाद तो लग रहा है, बायर अगर आप लोग हो तो आपको तो लग रहा है कि मैडम पेन तो सही लग रहा है. तो आपने परचेस किया, परचेस करने के बाद जब आपको लगा कि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसके फीचर्स नहीं दिख रहे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, आप लिख रहे हो तो बिल्कुल फेंट वाली इंक आ रही है, हैंड राइटिंग तो कहीं का कहीं जा रहा है, मतलब कि हम बोल सकते कि इसका नाक है उसके नाक के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत गड़बड़ी हो रही है. तो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने किया था, उसका जो रिजल्ट है वो तो उस टाइप में नहीं आ रहा है. तो अभी क्या हो रहा है कि बायर के जो कंप्लेंट्स है, बायर क्लेम कर सकता है, आप लोग क्लेम कर सकते हो मेरे ऊपर. क्या करोगे क्लेम, कि मुझे रिफंड चाहिए. रिफंड किस चीज का, प्राइस रिलेटेड.
डैमेज जो भी हुआ है, आपका जो भी प्रॉब्लम, जितना आपका नुकसान हो रहा है उस पेन को परचेज करने के बाद, उस हर चीज का रिफंड आप मुझसे क्या करोगे, मांगोगे, क्लेम करोगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो मैंने जो दी थी उस कंडीशन के जैसा तो मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं, गुड्स है ही नहीं, ओके ना। सो जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, लेट्स सी वन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत है, बिल्कुल कमी नहीं है एग्जांपल की, जिसकी वजह से ये जो बिजनेस लॉ है समझना बहुत आसान हो जाता है। सी ए बाइज फ्रॉम बी, ए ने बाय किया बी से, क्या बाय किया, हेयर ऑयल एडवर्टाइजर एज प्योर कोकोनट ऑयल। बी ने एडवर्टाइज किस चीज की थी, हेयर ऑयल की, हेयर ऑयल वो भी किस तरह का है, प्योर कोकोनट ऑयल की एडवर्टाइज की, ओके ना। तो ए ने परचेज किया था बी से ये कोकोनट ऑयल, द ऑयल टर्न्स आउट टू बी मिक्स विद हर्ब्स, ए कैन रिटर्न द ऑयल एंड क्लेम रिफंड ऑफ प्राइस। जैसे मैंने आपको पहले भी ये पेन का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ने तो ऑयल कोकोनट, प्योर कोकोनट ऑयल है ऐसा समझ के, मतलब कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन किया, और जब ए ने वो बाय किया उसे समझ में आ रहा है कि ये तो प्योर, प्योरिटी तो इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें मिक्सिंग है, कोई और चीज है, हर्ब्स है, यानी कि जो मैंने प्राइस पेड की थी कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल के लिए, तो ये तो उसमें नहीं है, बिल्कुल मिक्सिंग है, तो फिर मुझे नहीं चाहिए, मैं क्लेम कर रही हूँ। ए ने क्या कर दिया, बी के ऊपर क्लेम कर दिया, इस चीज के लिए कि मुझे रिफंड चाहिए, मेरी जो प्राइस मैंने दी थी इस प्रोडक्ट की, तो मुझे रिफंड चाहिए, है कि नहीं। तो ये कर सकते हैं, दैट मींस यहाँ पे कंडीशन को एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने दो टाइप्स के कंडीशंस बताया, एक्सप्रेस कंडीशन, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंडीशंस, फर्स्ट वन एक्सप्रेस कंडीशंस, सेकेंड थिंग इज इम्प्लाइड कंडीशंस। जैसे मैंने इम्प्लाइड का मीनिंग लास्ट लेक्चर में बताया था कि सजेस्टेड क्या है, मतलब कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेस का मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज स्टिपुलेशंस स्पेसिफिकली स्पेल्ड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज स्टिपुलेशंस व्हिच The law implies into a contract of a sale. मतलब यहाँ पे express conditions के अंदर किस तरह के stipulations रहेंगे, contracting parties जो है उनके अंदर क्या है stipulations है, और implied conditions जो है उसके अंदर जो stipulations है which the law implies into a contract of a sale. Law ने ये implies मतलब suggest किया है कि इस तरह से आपको ये contract बनाना है, यानी यहाँ पे implied का meaning जैसे मैंने आपको suggestions बताया, suggested बताया, तो ये suggestions आते कहाँ से है, कौन आपको suggest कर रहा है कि ये contract of sale किस तरह से बनेगा, condition कौन decide करेगा, तो condition decide किए as per law, implied जो भी आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एज पर लॉ वो सेलिंग किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा। और एक्सप्रेस कंडीशंस के अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के जो भी स्टिपुलेशंस है वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर रहेंगे। इज दैट क्लियर ना। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, इम्प्लाइड कंडीशंस, implied conditions which are presumed to be incorporated in every contract of sale unless specifically excluded. There are 8 implied conditions. अभी implied conditions क्या है? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि retail study करना पड़ेगा कि किस condition में आप वो sale कर रहे हो या contract of sale बन रहा है, तो मुझे वो condition जानना बहुत जरूरी है। जब तक कि मैं condition के बारे में जानकारी नहीं लूंगी तब तक मुझे ये implied condition क्या है, किस तरह से suggest किया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने 8 टाइप दिए हैं कि जो इम्प्लाइड कंडीशंस के अंदर आते हैं। फर्स्ट टाइप है कंडीशन एज टू टाइटल, हम वन बाय वन उसका डीपली एक्सप्लेनेशन देखने वाले। सो कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अभी सैंपल का मीनिंग भी मैं बोलूंगी आपको जब वो डिटेल में बताऊंगी तब। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस,
condition as to grade usage. Let's see first one. Condition as to title. अभी condition title के बारे में है. Condition में मुझे क्या देखना है? Implied condition जब मैं study करूंगी तो title related क्यों दिया है? There is implied condition on the part of the seller that in case of sale. He has the right to sell the goods and in case of an agreement to sell. मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो implied conditions है, यानी कि उसके अंदर जो भी आप contract बना रहे हो, तो selling on the spot भी किया जा सकता है या in future के लिए भी आप agree कर सकते हो कि in future मुझे ये जो मेरी property है या goods है, तो that is called as agreement to sell. तो इस तरह से भी तो selling किया जाता है. So he will have to right to sell the goods at the time when the property is to pass. If the condition is not satisfied, the buyer can cancel the contract. यानी कि in future के लिए अगर मैं agreement करती हूँ ना कि ये property in future में आपके नाम कर दूँगी, ownership आपको दी जाएगी. लेकिन अगर वो condition satisfied नहीं होते, उसके बीच मैंने एक condition रखी थी, बराबर है ना? वो condition अगर satisfied नहीं हो रही तो मैं in future का जो contract of sale किया था कि मैं आगे जाके आपको ये ownership देने वाली थी या transfer करने वाली थी मेरी property, तो मैं नहीं करूँगी. कैंसिल किया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट्स सी वन एग्जांपल जो टाइटल रिलेटेड है. आर बॉट अ कार फ्रॉम डी. ये यहाँ पे पार्टीज के नेम चेंज कर दिया. आप बोर हो गए ना, ए और बी पार्टी, ए और बी पार्टी. तो उन्होंने आर मतलब एक पार्टी है, आर ने क्या किया कि डी से कार परचेस की. आफ्टर फ्यू मंथ्स, लेट्स सी यहाँ पे पीरियड, एक पीरियड जाने के बाद few months के बाद क्या हो रहा है? The police took the car as he was a stolen one. मतलब क्या है कि ये जो कार है, police ने क्या कर दिया? सर्च कर लिया कि ये तो चोरी की कार है, stolen कार है. R was forced to return the car to the true owner. R ने किससे purchase की थी? True owner कौन है इस कार का? डी से परचेस की थी. लेकिन आर को जब समझ में आया, पुलिस ने जब पकड़ी ये कार, उनको समझ में आया ये तो चोरी की कार है, भाई आर तो घबरा गए ना, आर पार्टी जो है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो रिटर्न फोर्सली रिटर्न कर दी ट्रू ओनर को, यानी कि डी को. हेल आर कुड रिकवर द प्राइस पेड. तो आर क्या करेगा, उसकी जो प्राइस है वो उसके लिए क्लेम करेगा और रिकवर करेगा, क्योंकि आपने तो चोरी का माल मुझे सेल कर दिया है कि नहीं, क्लेम करेंगे कि नहीं आप भी. सो इस तरह से ये टाइटल कंडीशन में आता है. अभी सेकेंड थिंग क्या है, देखिए दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. सेकेंड थिंग इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अभी जो सेलिंग है, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि डिस्क्रिप्शन किस तरह का है और किस तरह से आप प्रोडक्ट को सेल करते वक्त, जैसे हम ओवर एक्टिंग कर लेते हैं ना, कि जैसे मैंने आपको पेन का भी बताया कि ये पेन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चलता है, इसके फीचर्स आप लॉन्ग लाइफ के लिए ये यूज कर सकते हो, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, बहुत बहुत ऐसा डिस्क्रिप्शन किया मैंने इसका कि सोचो मत, सोच नहीं सकते. तो आप तो कैसे कस्टमर का कैसे जट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी नई चीज देखती है ना तो उसके लिए तो अट्रैक्ट होने के बाद तो परचेसिंग होना ही है. तो परचेस तो कर लिया डिस्क्रिप्शन देख के, सेलिंग करते वक्त सेलर ने इतना कुछ तो बताया था, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोडक्ट किस टाइप का है ये भी देखना जरूरी है. सो यहाँ पे उन्होंने सेल बाय डिस्क्रिप्शन में बताया. समटाइम्स द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, इन सच केसेस द गुड्स सोल्ड मस्ट करस्पोंड विद द डिस्क्रिप्शन. If it is not so, the buyer may reject the goods. अगर उस टाइप में नहीं है जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था तो रिजेक्ट कर सकते हैं आप, आपको वो राइट्स दिए गए हैं बायर को. सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स वेयर द बायर हैज नेवर सीन द गुड्स एंड बाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन. बहुत बार हम बहुत सारी चीजें बिना देखे ही परचेस करते हैं ओनली डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद. जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, किसी ने आपको बताया कि आजकल तो वैसे होता नहीं है, आप शादी से पहले ही एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है, तो आप लोग तो साल दो साल ऐसे ही शादी
रोक लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जानना है. लेकिन कुछ पर्सन अभी भी ऐसे हैं कि जिनको डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, लड़की तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही स्वभाव सरल है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बताने के बाद तो आप झट से क्या करते हो, रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हो. तो वैसे ही यहाँ पे है कि कभी कभी बाहर को वो प्रोडक्ट दिखाया नहीं जाता, ओनली डिस्क्रिप्शन के बेस पे वो सेल किया जाता है. ओके ना. सेकेंड जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह का रहेगा, वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स. यहाँ पे बायर को गुड्स दिखाए जाते हैं बट ही बाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर. अभी मैंने गुड्स को देखा, जैसे मैंने आपको पेन दिखा, पेन देखने के बाद आपने वो पेन में वैसे तो कुछ खास बात दिखी नहीं आपको, दिख रहा है क्या कुछ खास? जनरली मार्केट में ऐसे बहुत सारे पेन्स मिलते हैं, इसमें क्या खासियत तो नहीं है, लेकिन मैंने जो डिस्क्रिप्शन इसके साथ दिया ना आपको कि बहुत बढ़िया है, आपका काम इजी हो जाएगा, आप पेपर भी बहुत फास्टली, आपका हैंडराइटिंग फास्टली आ सकता है, फास्ट लिख सकते हो, आपको लगता है चलो भाई बहुत दिन से ये भी जो प्रॉब्लम था कि बहुत स्लो हो गई है हैंडराइटिंग, हम फास्टली लिख नहीं पाते, तो ये पेन से तो काम आसान हो जाएगा, तो हम लोग परचेस करते हैं किसके थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू. तो अभी ये दैट इज कॉल्ड एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. ओके ना, समझ में आ रहा है? कंडीशन, कंडीशन क्या थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, एक इसमें क्या था कि टाइटल था. अभी जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एक एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे. ए बायर बाइज नैपकिंस इन एन ऑक्शन व्हिच वेयर डिस्क्राइब एज डेटिंग टू 17th सेंचुरी. दो बायर सॉ द नैपकिंस रिलाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन बट ही फाउंड इट बिलोंग टू 18th सेंचुरी. हेल्ड द बायर कुड रिजेक्ट द गुड्स. बायर ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्हें बताया गया कि डिस्क्रिप्शन किस तरह का था, कि कौन सी सेंचुरी का है, वो 17th का बताया. नैपकिन का जो भी प्रोडक्ट है उन्होंने ऑक्शन में दिया. ऑक्शन में मतलब क्या, कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लिलाव, ज्याला आपण मराठी मध्ये म्हणतो, कि तो लिलावामध्ये काय सांगितलं की डिस्क्रिप्शन त्याचं असं होतं की तो 17th सेंचुरीचा आहे, पण जेव्हा बायरला समजलं की हा 18th सेंचुरीचा आहे, त्यावेळेस तो रिजेक्ट करू शकतो त्या गुड्सला. ओके, समजलं इथपर्यंत. थर्ड जी काही कंडिशन त्यांनी एक्सप्लेन केली इम्प्लाइड कंडिशन मध्ये, सेल बाय सॅम्पल, लेट्स सी दिस वन. समटाइम्स कॉन्ट्रॅक्ट्स आर एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सॅम्पल. अभी यहाँ पे आप देख सकते कि जो कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल है वो किस तरह से किया जाता है. हम लोग बहुत बार सैंपल फ्री देते हैं ना कस्टमर को, क्यों देते हैं सैंपल फ्री? एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको सैंपल मिलता है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे. अरे इसमें क्या दिक्कत है, सैंपल तो फ्री में ही है ना, एक बार यूज कर लेंगे, अगर पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम परचेज कर लेंगे. इज दैट क्लियर ना? ये हमारी साइकोलॉजी है कस्टमर की, एज अ कस्टमर. तो यहाँ पे सैंपल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है. इन सच अ केसेस द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड. अभी इसमें कौन सी कंडीशंस को सैटिस्फाई करना है? बहुत बार क्या होता है देखो, अभी द क्वालिटी ऑफ द बल्क ऑफ गुड्स सप्लाइड शैल बी सिमिलर टू द क्वालिटी ऑफ द सैंपल. बहुत बार सैंपल तो अलग क्वालिटी का रहता है, और जो बल्क क्वांटिटी में हम गुड्स सेल करते हैं एक्चुअल में मार्केट में, तो उसकी क्वालिटी में तो बहुत डिफरेंस है. तो भाई यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फिर कस्टमर तो रिजेक्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट को. एक बार परचेस करेगा, नेक्स्ट टाइम तो रीपर्चेसिंग नहीं हो सकता है यहाँ पे. सो सेल बाय सैंपल के अंदर ये कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन में बताया था बायर इज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल. यानी कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए या बायर के लिए कि जब भी आप पहले सैंपल प्रोवाइड करते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप बल्क क्वांटिटी में सेल करते हो उसी प्रोडक्ट का, तो कंपैरिजन तो यहाँ पे बनता ही है. कंपैरिजन कर किया जाता है किस चीज के अंदर, कि जो सैंपल प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी क्या थी, और जो अभी हमने परचेस किया बल्क क्वांटिटी में लिया, तो उसके कंपैरिजन में अगर क्वालिटी में कोई भी एक 0.00 भी डिफरेंस आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो जाएगा.
तो ये भी हमें ध्यान रखना है सैंपल के थ्रू जब भी हम सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे. थर्ड कंडीशन में बताया द गुड्स डिलीवर्ड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट व्हिच रेंडर्स देम अनमर्चेंटेबल बट व्हिच इज नॉट अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन. यानी कि हर चीज को हमें क्या करना है प्रॉपरली हैंडल करना है. यानी कि कोई भी एक डिफेक्टिव भी हमारा प्रोडक्ट है, डिफेक्ट कोई भी आता है कोई भी एक प्रोडक्ट के अंदर है, तो ये अनमर्चेंटेबल है यानी कि सेल करने लायक नहीं है, उसे हमें क्या करना है रोकना है. क्योंकि क्या होता है कि हमने 10 प्रोडक्ट के अंदर, हर एक 10 प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव अगर आ रहा है तो कस्टमर का तो लॉस होगा ना, जो बाइंग करने वाला है तो वो क्या सोचेगा कि इनके यहाँ पे अगर इतना सारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो क्या पता शायद इसकी क्वालिटी में भी कुछ गड़बड़ हो, हम सोचते हैं ना ऐसा. तो यहाँ पे वो चीज भी हमें डिफेक्ट को भी क्या करना है थोड़ा सा अवॉइड करना है. सो सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया कि सैंपल भी फ्री हम दे रहे हैं उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी चीज मेंशन की जाती है, देखिए उन्होंने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो. पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, कि सेलिंग जो है सैंपल के थ्रू है या डिस्क्रिप्शन के थ्रू ऑफ द गुड्स बाय द सेलर, देन द गुड्स सप्लाइड मस्ट करस्पॉन्ड टू बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन. If they correspond to sample and not to description or vice versa, the buyer can reject the goods. See one example. A shows a sample of tea. A ने क्या show किया है अभी? एक tea का sample दिया है. And says description में क्या कहा है? Says मतलब says Darjeeling tea. अभी speciality उन्होंने description के अंदर बताई. ये टी है तो ये सादा वाला टी नहीं है भाई, ये कौन सा टी है, दार्जिलिंग टी है. इन विच केस इट मस्ट करस्पॉन्ड टू द सैंपल एज आल्सो बाय डिस्क्रिप्शन. अगर मैंने यहाँ से दापोली से टी परचेस किया है और मैं दार्जिलिंग टी का एक्सप्रेशन जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रही हूँ, सैंपल के साथ अगर वो मैच नहीं करा, सैंपल में तो दार्जिलिंग टी था, एक्चुअल में जब मैंने सेल किया तो उसके अंदर तो मेरा दापोली वाला प्रोडक्ट था, चलेगा नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है. मतलब कि सेल करते वक्त सैंपल के बारे में भी सोचना है, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी सोचना है. तो यहाँ पे मार्केटिंग का एक रोल है, मैं वो आपको बताती हूँ. अभी हम बिजनेस लॉ देख रहे हैं फिर भी आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सेल अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर हम देख रहे हैं, तो मार्केट में जो भी अनाउंसमेंट मार्केटर्स करते हैं तो उसके अंदर आपके जो भी प्रोमिसेस है, जो भी स्टेटमेंट्स है, तो उसे फुलफिल करना, उस कंडीशंस को, ये मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अदरवाइज क्या होगा कि कस्टमर आपके साथ आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसकी लॉयल्टी नहीं बनेगी, लॉयल्टी नहीं बनेगी तो परचेसिंग बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सेलिंग क्या होता है रुक जाता है. सो यहाँ पे इस चीज पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है. Is that clear? यहाँ पे समझ में आया सैंपल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से है. Now let's see fifth point. Condition as to quality or fitness for buyer's purpose. As a rule, यहाँ पे rule as a rule क्यों बताया देखो. There is no implied condition as to the quality or fitness by any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी बनाया जाता है तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है, ये इम्प्लाइड कंडीशन में जरूरी नहीं कि हर एक इथे कुठलाही तुमचा गुड्स आहे त्यामागचं सेल करण्यामागचं असं काही पर्टिक्युलर पर्पज आहे की फिटनेस साठी आहे, क्वालिटी साठी आहे. इम्प्लाइड कंडिशन मध्ये हे जरूरी नाही. इम्प्लाइड कंडिशन मध्ये मग काय जरूरी आहे? The doctrine of caveat-emptor applies. However, the Act provides some exceptions to this rule. अभी Act ने इसके लिए कुछ exceptional points दिए कि ये जरूरी क्यों नहीं है, ये purpose का होना क्यों जरूरी नहीं है implied condition में. तो there is an implied condition as to quality or fitness for the buyer's purpose. The exceptions are exceptional points क्या है?
तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि where the goods are ordered for a specific purpose and the purpose is made known to the seller. अगर मैं किसी चीज को किसी एक पर्पस से क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, तो उसके बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन सेलर को होना बहुत जरूरी है. अभी आप सोचोगे कि इसमें क्या है मैडम, किस तरह से स्पेसिफिक पर्पस आपका क्या है. जैसे अगर मैंने कोई चीज ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम लोग बहुत बार, मैं एग्जांपल देती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मेरा एक पर्पस था, स्पेसिफिक पर्पस, कोई एक गुड्स को परचेस करती हूँ या ऑर्डर करती हूँ कोई एक गुड्स को, मैंने ड्रेस मटेरियल को की ऑर्डर की. मेरा स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि किसी इवेंट या किसी ओकेजन में मुझे वो ड्रेस पहननी थी. किसी मेरे फ्रेंड की शादी है, शादी में मुझे वो ड्रेस पहननी है. तो शादी तो 8 दिन के बाद है, 8 दिन के अंदर इनकी डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की. तो मैंने किस तरह का कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना फैशनेबल, ऐसा कोई प्रोडक्ट उसके लिए मैंने एक जो फैशन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस टाइप का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोडक्ट की ऑर्डर की. अगर वो पर्पस ही मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि शादी तो 8 दिन के बाद है, मेरा प्रोडक्ट की ऑर्डर जो 8 दिन के अंदर आनी चाहिए थी वो 15 दिन के बाद आ गई, मेरा जो ड्रेस है वो 15 दिन के बाद आया, तो क्या फायदा, शादी तो हो गई ना. तो सेलर को ये ध्यान में लेना बहुत जरूरी है. विद इन 8 डेज वो ऑर्डर कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पर्पस के बारे में पता होना जरूरी है. वेयर द बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट. यहाँ पे क्या होता है कंडीशन में कि बायर रिलाइज, यानी कि बायर डिपेंड रहता है कि आपका ट्रस्ट रहता है. एज अ बायर आप लोग क्या करते हो, एज अ कस्टमर हम लोग सेलर के जो भी स्किल है या जजमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, डिपेंड रहते हैं कि इनकी तो ऑर्डर परफेक्ट आती है, 8 दिन के अंदर आती है तो मिल सकता है ये ड्रेस, ऐसा मैंने कंसिडर किया. और अगर उस तरह से उस पर्पस के थ्रू अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. वेयर गुड्स आर परचेज अंडर ट्रेड नेम. बहुत बार हम जो परचेसिंग कर लेते तो ट्रेड नेम का होना, जो भी मतलब कि जो भी बिकने वाला है, मतलब कि बिजनेसमैन कौन है, उसका ब्रांड नेम भी बहुत बार हम लोग चेक कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उससे हमें क्वालिटी के बारे में, उसके फिटनेस के बारे में पता चलता है. उस गुड्स के हर एक गुड्स का एक ब्रांड रहता है, पॉपुलर ब्रांड या क्वालिटी ब्रांड. तो उस ब्रांड का प्रोडक्ट अगर हम यूज कर लेते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ऐसा हमारा मानना रहता है. जितना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ऐसा कस्टमर मानते हैं. तो यहाँ पे बहुत बार ट्रेड नेम को भी देखा जाता है कि किसके थ्रू. अगर हम सुपर मार्केट में परचेसिंग करते हैं, हाइपर मार्केट में परचेसिंग करते हैं, या आप लोकल मार्केट में अगर परचेस करते हो तो उसकी वैल्यूज अलग अलग रहते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी अगर मैंने कोई एक चीज, हम लोग अभी यहाँ पे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, या कोई एक डायरी है या पॉकेट है, आप यहाँ पे पॉकेट देख सकते हैं कि जो पॉकेट है ये मैंने कहाँ से, लोकल मार्केट से परचेस किया. लोकल मार्केट से परचेस करने के लिए मुझे जितनी प्राइस पेड करनी पड़ी, अभी ये भी एक्सपेंसिव है, इमेजिन करो कि 200 का है, तो जनरली मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है. अगर मिडिल क्लास कस्टमर, लोअर क्लास कस्टमर, हायर क्लास कस्टमर का आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे मेरे लिए ये एक्सपेंसिव है. लेकिन इसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर मैं सुपरमार्केट से इसको परचेस कर रही हूँ, प्लेस तो चेंज हो गई ना, यहाँ पे प्लेस चेंज हो गई यानी सेलर चेंज हो गया, ट्रेड नेम को क्यों चेक करना है. तो इसकी प्राइस उन्होंने कितनी लगा दी, 400 रुपीज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा बढ़िया प्राइस है उतना ज्यादा उसका क्या है, क्वालिटी बेस्ट है. तो यहाँ पे कस्टमर क्या चीज देखता है कि ट्रेड नेम क्या है उसका.
तो उस गुड्स की हम क्या कर लेते हैं, क्वालिटी इमेजिन कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और उसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ना जनरली कि अगर आप कोई एक इंडियन ब्रांड यूज कर रहे हैं, मतलब कि पेन भी है, इमेजिन करो इंडियन ब्रांड का पेन अगर आप यूज करते हो तो उसकी वजह से आपकी एक वैल्यू बन गई। आपका फ्रेंड अगर फॉरेन ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज कर लेता है, वही पेन फॉरेन ब्रांड का है, तो हमारे माइंड के अंदर उसकी एक वैल्यू अलग बन जाती कि ये फॉरेन ब्रांड यूज करता है। समझ में आया ना? तो परचेसिंग का या सेलिंग का ये भी कंडीशन है कि ट्रेड नेम क्या है। वेयर द गुड्स आर बॉट, सी वेयर द गुड्स आर बॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। हियर देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। अगर ये मैच कर रहा है, सैंपल है या कोई डिस्क्रिप्शन है, वो गुड्स के साथ मैच करता है, दैट मींस उसकी क्वालिटी कैसी है, मर्चेंटेबल है, ये सेल करने के लायक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, पी बाइज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम एल केमिस्ट। एल ये जो पर्सन है ये केमिस्ट है, इसके थ्रू क्या या इसके पास से क्या किया, पी ने हॉट वाटर बॉटल परचेस की। पी बाइज द बॉटल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल। एल ने क्या किया था, रिकमेंड किया था इस बॉटल के लिए, कि जैसे हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं ना कि ये बहुत बढ़िया है, मार्केट में जितने भी बॉटल्स है उससे बहुत बढ़िया है, इसका रिजल्ट अच्छा है। आफ्टर फ्यू डेज व्हाइल यूजिंग द बॉटल इट बर्स्ट एंड इंजर्ड पीज वाइफ। अभी आ गए ना यहाँ पे तो होम मिनिस्टर को ही प्रॉब्लम हो गई। पी ने तो जो एल जो केमिस्ट है उसके रिकमेंडेशन की वजह से जो हॉट वाटर बॉटल परचेस की थी वो कुछ दिनों के बाद बर्स्ट हो गई, और किसको इंजरी हुई इसकी वजह से, पी की वाइफ को। अभी देखो पी को घर में रहना है कि नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पे तो होम मिनिस्टर में ही गड़बड़ हो गई। अभी ये होम मिनिस्टर क्या करेंगे, होम मिनिस्टर तो पी को बाहर निकाल सकते है, तो पी ने क्लेम कर दिया डैमेज के लिए, जो भी उसको इंजरी हुई है उसका जो भी डैमेज हुआ है उस बॉटल की वजह से। आपने तो डिस्क्रिप्शन में बहुत बढ़िया क्वालिटी बताई थी, अभी इसकी बर्स्ट होने की वजह से जो भी मेरे फैमिली को प्रॉब्लम हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके लिए पी ने क्लेम कर दिया एल के ऊपर। एल कौन है, केमिस्ट है जिससे उसने वो बाय की थी बॉटल। ओके ना, मतलब कि जो क्वालिटी है, फिटनेस है, बायर के पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। दैट मींस इट इज अ कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन क्या बताती है। ओके ना, समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। अभी मर्चेंटेबल क्वालिटी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस तरह का होना चाहिए, इट इज सुटेबल फॉर सेल। क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, बहुत बार कुछ चीजें ना दुकान से हम खरीद लेते हैं, घर जाते वक्त ही टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ये मर्चेंटेबल क्वालिटी बोल सकते हैं। इज इट सुटेबल फॉर सेल, नो, क्योंकि कस्टमर के पर्पस के हिसाब से, बायर के पर्पस के हिसाब से तो इसकी क्वालिटी है ही नहीं। ओके ना, सो लेट्स सी, द टर्म मर्चेंटेबल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट। कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड merchantable quality to mean if one buys it for self use, they should be reasonably fit for the purpose for which they are generally used. यानी कि यहाँ पे purpose अलग अलग रहते हैं, कभी कभी family consumption के लिए use किया जाता है, कभी कभी particular एक person self use के लिए कोई चीज purchase की जाती है, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसकी quality कैसी होनी चाहिए। okay ना, नेक्स्ट थिंग, इफ दे आर ब्रॉट फॉर रीसेल। बहुत बार कुछ चीजें हम परचेस कर लेते हैं और रीसेलिंग के लिए रहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताया कि एजेंट के थ्रू भी परचेसिंग किया जाता है, तो बहुत बार एजेंट्स लोग क्या करते हैं, सेल्फ यूज के लिए नहीं, रीसेल के लिए क्या करते हैं, परचेसिंग करते हैं। सो इट शुड बी कमर्शियल सेलेबल, कमर्शियली सेलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बाय विच दे आर नोन इन द मार्केट एट देयर फुल वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के देखने के बाद आपको मर्चेंटेबल क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है उसका नॉलेज आ सकता है। सी,
For example, P sold a catapult to a boy for of 6 years. अभी आप देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है. ये जो भी कैटापल्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉय ऑफ 6 years, while the boy was using it, the catapult broke and blinded the boy in one eye. Hell, the catapult was not of a merchantable quality. See, अभी यहाँ पे P जो seller है, P ने sold P. तो क्या sold किया? Catapult का meaning पता है आपको? वो जो आप लोग करते हो ना, ये जिसको बिचकी भी बोलते हैं मराठी में, शुद्ध त्याला मराठी गलोल असं म्हणतात, ज्याच्यामुळे तुम्ही अगदी नेम धरून एखाद्याला काय मारू शकता. अगदी पक्ष्यांना तुम्ही मारता बघा, झाडावर बसलेले असतील तर एखादा दगड किंवा पाय फेकून मारला जातो, तर तो तुम्ही त्या याने धनुष्यबाणासारखंच असतं, फक्त त्याला काय नसतो हे काठीचा आकार नसतो, फक्त ते ताणण्यासाठी रबर असतो त्याला, त्याला दॅट इज कॉल्ड कॅटापल्ट. तर 6 वर्षांच्या मुलाला त्याने ते विकलेला आहे. आता हा जो जेव्हा मुलगा युज करतो तेव्हा ते पुढे जाण्याच्या ऐवजी काय होतं, मागे येत, त्याच्यामुळे त्या मुलाच्या डोळ्याला इजा होते, त्याचा एक डोळा पूर्णपणे खराब होतो. सो हेल्ड द कॅटापल्ट वॉज नॉट ऑफ मर्चंटेबल क्वालिटी. जर अशी क्वालिटी असेल तुमच्या त्या कॅटापल्टच्या प्रोडक्टची तर ती एक मर्चंटेबल क्वालिटी नाही, म्हणजे तो सेलिंग करण्याचा लाईव्ह प्रोडक्ट नाही असं तुम्ही इथे सांगू शकता. म्हणजे कंडिशन मध्ये काय झालं, इम्प्लाइड कंडिशन काय सांगते की तो कंजम्पशन साठी कसा असला पाहिजे, सुटेबल असला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोडक्ट सेल कराल तुम्ही म्हणाल आम्ही काही तयार करू शकतो आणि काही मार्केटमध्ये सेल करू शकतो असं चालेल का? नाही चालणार. ते कस्टमर साठी कसं असलं पाहिजे, सुटेबल असलं पाहिजे, अफोर्डेबल असलं पाहिजे, तेव्हा काय होईल, त्या कंडिशन फुलफिल होतील आणि तेव्हा तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलिंग होईल. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो सेलिंगच्या प्रोसेसमध्ये. जोपर्यंत तुमचा कस्टमर सॅटिस्फाईड होत नाही तोपर्यंत तुमच्या सेलिंगच्या प्रोसेसला, मॅन्युफॅक्चरिंगच्या प्रोसेसला, डिस्ट्रीब्युशनच्या प्रोसेसला काहीही इम्पॉर्टन्स असणार नाही. हम जो भी कुछ बनाते है, जो भी कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो भी सेलिंग किया जाता है, वो सब किस चीज के लिए रहता है? कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए. सो द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. मार्केट में किंग कौन है? कस्टमर है. उसे सैटिस्फाइड करना है तभी जाके हमारे सेलिंग का इम्पोर्टेंस बनेगा. ओके ना. सो लास्ट पॉइंट आपका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है, इट मस्ट. सो लास्ट पॉइंट, कंडीशन हैज टू होलसमनेस. जो इम्प्लाइड कंडीशंस के पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं ना, उसके अंदर 7 पॉइंट है. दिस कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ मर्चेंटेबिलिटी. इट इज एप्लीकेबल टू इटेबल्स. एज पर दिस कंडीशन, गुड्स सोल्ड मस्ट बी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. होलसमनेस क्या है, कंडीशन कौन सी है? देखो, एफ बॉट मिल्क फ्रॉम ए. एफ ने क्या किया, मिल्क परचेस कर लिया ए से. द मिल्क वॉज कॉन्टामिनेटेड विथ टाइफाइड जर्म्स. आप बोलोगे मैडम जर्म्स का नाम मतलब, अभी इसका भी कोरोना का भी सीजन चल रहा है और बीच में टाइफाइड भी आ रहा है, तो अभी एफ वाइफ कंज्यूम द मिल्क. एफ ने जो परचेस किया था मिल्क, तो वो मिल्क प्योर नहीं था, उसके अंदर टाइफाइड के जर्म्स थे, जो कि किसने कंजप्शन किया उसका, एफ के वाइफ ने कंजप्शन किया और शी गॉट इन्फेक्टेड एंड डाइड. आप बोलोगे मैडम टाइफाइड की वजह से डाइड. सो यहाँ पे तो हो सकता है कोई भी बीमारी है तो किसी की हेल्थ किस टाइप की है उसका इम्पैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे वो क्या हुआ, उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई. ए वॉज लाइबल. अभी इसके लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए की जिम्मेदारी है. क्यों? ए ने वो सेल किया था, उसकी क्वालिटी को चेक करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ए की थी, जो कि उसने कंप्लीट नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, जिसकी वजह से जिसने वो बाय किया और जिसने वो कंजप्शन किया, कंजप्शन के बाद उसके साइड इफेक्ट हुए और उसकी डेथ हो गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो सेलर है, ए सेलर, वो जिम्मेदार है.
ओके ना, कंडीशन हैज टू होलसमनेस, यानी कि सेलिंग की जो टोटल प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, उसके अंदर आपको फिटनेस के बारे में सोचना, क्वालिटी के बारे में सोचना, मर्चेंटेबल होना प्रोडक्ट का बहुत बहुत जरूरी है। समझ में आया ना यहाँ तक? लास्ट एक पॉइंट था, वो हम देख सकते हैं, कंडीशन इम्प्लाइड बाय ट्रेड यूसेज। तो इसका एग्जांपल क्या दिया है कि प्रिंटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट फॉर मेडिसिन, ये भी एक कंडीशन है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते, कोई भी चीज मार्केट में सेल की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी प्रिंटिंग किया जाता है, तो हर एक मेडिसिन के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। इम्प्लाइड कंडीशन ये भी एक हो सकती है। तो यहाँ तक हमारा जो कंडीशन का टॉपिक है पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में वारंटी के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हम आज के लिए यहाँ तक रुक जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको टॉपिक के अंदर, कोई भी बात अगर नहीं समझ में आई है, तो आप पूछ सकते हो। ओके ना, सो थैंक्स।